हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों को इस तरीके का स्टाइलिश लुक साड़ी पहनना सिखाऊंगी। इस तरीके से स्टाइलिश साड़ी आप कैसे पहन सकते हो, साड़ी से आप लहंगा का डिज़ाइन भी दे सकते हो और बहुत ही प्यारा लगेगा। तो किस तरीके से मैंने पहना है, चलिए सीखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं यहाँ पे लोअर टी शर्ट पे ही पहन रही हूँ, आप पेटीकोट पे, ब्लाउज पे पहन सकते हो। मैं बाद में ब्लाउज पहन के आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूँगी। तो अपनी लेंथ के हिसाब से फ्लोर पर साड़ी टच होनी चाहिए और इस तरीके से एक एक प्लेट्स डालते हुए पहले आप इसे पूरा पीछे से लेके आइए इस तरीके से, और इसको फ्लोर से टच होते हुए, ज़्यादा नहीं टच करना है, बस मतलब टच हो, पैर नहीं दिखने चाहिए, उतना आपको इन करना है साड़ी को, पूरा पीछे से बराबर इन करते हुए इस तरीके से। पूरा इन करने के बाद से आपको साड़ी में प्लेट्स डालनी है, प्लेट्स फैला फैला के लगाते जाना है ताकि घाघरा का लुक आ जाए साड़ी में। ये देखिए इस तरीके से प्लेट्स बनाएं और इसको इन करते जाइए, दो तीन प्लेट्स एक साथ ले लीजिए और फिर उनको अलग अलग कर लीजिए। देखिए चार पांच प्लेट्स मैंने ली है, इसको फैला के इस तरीके से फैलाते हुए और अपना लेंथ के अकॉर्डिंग जितना एक्स्ट्रा साड़ी है उसको पेटीकोट में इन कर दीजिए और फिर से प्लेट्स बनाइए। आई होप आप लोग अच्छे से दिख रहा होगा गाइस। फिर से चार पांच प्लेट्स बनाइए और उसको उसी तरीके से फैला के इन कर लीजिए। ओके, ये ध्यान दीजिएगा कि ज़मीन पे ज़्यादा साड़ी ना लटके, बस आपके पैर की लेंथ के हिसाब से ही रहे। तो इतना इन करने के बाद से पूरा इसी तरीके से प्लेट्स डालते हुए इन करना है साड़ी को। ओके, फिर प्लेट्स को फैला लीजिए और एक्स्ट्रा साड़ी इन कर दीजिए। ओके, तो ये हमारा पूरा प्लेट्स बन गया है। और अभी जो हमारा पल्लू का जो सामने वाला हिस्सा होता है, जैसे ये हमारा, मैं भी पिंस लेके आ जाती हूँ। इस तरीके से घाघरा टाइप का लुक आ गया साड़ी में। अब ये जो हमारा पल्लू है, जो ये हमारा ये वाला हिस्सा होता है ऊपर वाला, इसको आपको एक साइड इस तरीके से टगिंग कर लेना है। आप चाहो तो दोनों साइड से कर सकते हो, इस साइड से भी लगा के उधर से ला के प्लेट्स को, जैसे यहाँ पे आप पिनअप कर लो और दूसरा वाला साइड लेके यहाँ पे आप इसको टगिंग कर सकते हो। तो इस तरीके का लुक आएगा, ब्लाउज के साथ बहुत ही प्यारा लगेगा। और दूसरे तरीके से इसको, तो दूसरे तरीके से आपको उसी के साइड वाला हिस्सा लेके दूसरी साइड टग इन करके और यहाँ पे इस तरीके से पिनअप कर लेना है। तो चलिए मैं इसको ब्लाउज के साथ पहन के आती हूँ और फिर आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो बहुत लग रहा है ना, बहुत प्यारा। तो चलिए ये देखिए, पूरा नीचे से ऊपर तक इस तरीके का लुक आएगा। तो मैं ब्लाउज पहन के आ जाती हूँ और इसको पिनअप पिन लगा के फिर आती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ फाइनल लुक कैसा बना था। ओके, तो ये देखिए ब्लाउज के साथ इस तरीके का लुक आया है, कैसा लग रहा है गाइज? तो आई होप अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा कितना प्यारा फ्रंट से बैक से भी अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरीके से शादी पार्टी में थोड़ा डिफरेंट टाइप लुक का साड़ी पहन सकते हो और बहुत ही प्यारा लगेगा। और मैं अलग अलग स्टाइल की साड़ियाँ ड्रेपिंग लेके आऊँगी, आप लोगों को कुछ सीखना हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये था मेरा फाइनल लुक। कैसा लग रहा है गाइस, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सोचा फिर मैंने इस तरीके का लुक क्रिएट किया है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ। और आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। गाइज आप लाइक करना भूल जाओ तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और भी डिफरेंट टाइप की साड़ियाँ स्टाइल सीखनी हो तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं और भी इस तरीके की अलग अलग लुक की साड़ियों का डिज़ाइन लेके आ पाऊँ आप लोग के। और कल मैंने एक बहुत ही अच्छा सा गाउन ड्रेस टाइप का साड़ी स्टाइल बताया था, तो वो वाली वीडियो भी चेक कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो।
अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, टेक केयर, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इतना सपोर्ट किया, प्लीज़ और भी सपोर्ट करो ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। बाय बाय।